सब्सक्राइब कीजिए प्रोग्रामर्स भावा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए। मायसेल्फ सर्विस कौशल, नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स भावा। आज हम लोग देखेंगे जावा में कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग पार्ट देखेंगे कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास कैसे बनता है, क्लास क्या होता है, ये सब डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। बट आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप ध्यान दीजिए तो मैंने बताया था कैसे रन कराते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, इसका सिंटैक्स मैंने बताया था यूजर डिफाइंड क्लास बनाने का, ठीक है। तो इसमें बताया था क्लास बनाने के लिए कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड स्मॉल में होगा, कीवर्ड क्योंकि स्मॉल में होगा तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ सिंटैक्स लिख देता हूँ, क्लास स्मॉल में फिर क्लास का नाम, क्लास नेम, ये आपके हिसाब से होगा जो भी आप नाम रखना चाहें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो भी कोड लिखना चाहें यहाँ पर कोड लिखिए। उसके बाद जब ये क्लास बन गया तब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, सिंटैक्स होगा, क्या क्लास नेम जो भी क्लास का नाम हो, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड लगेगा, फिर क्लास अंडरस्कोर नेम, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये मैंने बात किया, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या है, ठीक है। तो क्लास का नाम जो आपने रखा था, ठीक है, जैसे सपोज आपने लिखा क्लास ए, एग्जाम्पल अभी मैं बात करूँगा, डिस्कस करूँगा, इसमें मैंने कुछ कोड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो अभी आपको बताया क्लास का नाम रखना है, तो क्लास का नाम क्या है, ए है, तो हम रखेंगे ए स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम, तो मैंने लिखा ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, और यहाँ पर ब्रेकर लगा दिया। अभी क्वेश्चन बना कि न्यू कीवर्ड लगा क्यों, ठीक है, न्यू कीवर्ड लगाया जा रहा है कि ये न्यू कीवर्ड एक स्मॉल कीवर्ड है सी लैंग्वेज जावा में, जो क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जावा इज अ डायनेमिक मेमोरी डायनेमिक लैंग्वेज, ठीक है। इसमें सारे काम क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं, यानी रन टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी कब बनेगा, रन टाइम में होगा। और आपको पता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक उसका कोई ऑब्जेक्ट ना बने, तो कोई क्लास बनने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रोग्रामिंग इसी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है ऑब्जेक्ट बनाने करें क्या, तो जब कोई मैथड मुझे कॉल करना होगा, मैथड या प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैथड एंड प्रॉपर्टीज क्या है, मैथड मतलब उसका बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक मैथड है जिसका नाम है इसके अंदर, सपोज मैंने कहा एक वेरिएबल है जिसका नाम है आई एन टी ए, ए और इसमें पड़ा हुआ है 100, और एक मैथड है जिसका नाम है शो, और मुझे इस शो मैथड को कॉल करना है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि इसमें क्या लिखा हुआ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन बनता है इसको कॉल कैसे करें, तो ऑलरेडी हमने अभी दिखाया कि ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट कॉल करना होगा वेरिएबल को, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नाम, नाम क्या है ए, ठीक है, और मैंने इसमें लिख दिया ओबीजे डॉट ए प्लस 100। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ए में जो वैल्यू पड़ी हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए के ए नाम के वैल्यू में जो वैल्यू पड़ी हो उसमें 100 जोड़ दो। ये हो गया वैल्यू एक्सेस करने का तरीका, एक्सेस द वेरिएबल, ठीक है। बट अगर हम कहें ऑब्जेक्ट मेथड एक्सेस करना होगा तो लिखेंगे ओबीजे डॉट मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है, सो कॉल कर लिया, यानी ये क्या है, कॉलिंग ऑफ मैथड, ठीक है। इसका मतलब दोनों केस में हमने देखा कि बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट के दूर हुई वैल्यू को भी एक्सेस करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही क्या करेंगे, मैथड को भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा इसके लिए हम लोग देखें, तो फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल बनाते हैं, ये तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, अब एग्जांपल एक देखते हैं, ठीक है, चलिए आते हैं। हमने याद करिए पिछली क्लास में आपको बताया था तरीका कैसे ऑब्जेक्ट मतलब कैसे रन कराया जाता है, तो मैंने बताया था सीएमडी पे जाइए, सीएमडी ओपन करिए, फिर जेडीके तक जाइए, फिर फोल्डर यूज करिए, ये आप पिछले वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सीधे मैं बिन प्रोग्राम बिन फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग करी थी, ठीक है। तो आप देखिएगा मैंने डेस्कटॉप पे क्या किया, एक फाइल शॉर्टकट बना लिया है बिन का, मैं यहाँ पहुँच गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एक फाइल बना लूँगा सीधा, कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते थे, राइट क्लिक करके, ठीक। मैंने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम रख दिया फर्स्ट क्लास डॉट जावा, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा ओपन कर लेता हूँ, अब पूछेगा किस पे ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने बी एस कोड यूज़ किया हुआ है, चला हुआ है, इस पर बना हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने क्या किया, क्या किया, क्लास, ठीक है, क्लास का नाम था फर्स्ट क्लास, नाम वही रख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में से पहले क्या करें, एक क्लास इसी के अंदर बनाते हैं, ठीक है, और डेमो देखते हैं, ठीक है, जिसको हमको यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डेमो क्लास, ठीक, जिसको हमें यूज़ करना है। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया int a, इसमें पड़ा हुआ है
100, ठीक। फिर int b क्या कह सकते हैं, इसी में लिख लेते हैं 100 कॉमा b इक्वल टू 200 कॉमा c, ठीक बना लिया। वाई सो नाम का मेथड है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखेगा c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है हो गया। इसके बाद मुझे कॉल करना है, ठीक है, तो कॉल करना है तो किसको कॉल करना है, इसी वाले को, तो मैंने लिखा क्लास फर्स्ट क्लास, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया डेमो क्लास नाम था, तो मैंने लिखा डेमो क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो क्लास ब्रैकेट लगाया, उसके बाद मैंने कहा ओबीजे डॉट सो ये कॉल किया, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वैल्यू पड़ गई, लेकिन अब प्रिंट तो हुआ का नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ आने के बाद सबसे पहले वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू, ठीक है, प्लस सिंबल लगाते थे, पढ़ा था हम लोगों ने सी, ठीक है, सी इज़ अ वेरिएबल नेम, प्रिंट हो गया। अब यहाँ से मैंने कॉल किया, अब देखते हैं कि इस क्लास के द्वारा हम कैसे ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीधे इसको कॉल करता हूँ, ठीक है, अभी पहले इसको देखते हैं, सबसे पहले हम क्या जाएंगे इसमें, तो मैं सीधे यहाँ से टर्मिनल पे करेंगे हम लोग यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे, तो टर्मिनल ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे गया व्यू में टर्मिनल पे क्लिक किया, टर्मिनल खुल गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे जाना फिर वहीं पड़ेगा cd/, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कोड को जरा देखिए, यहाँ पर पाथ था, मैंने इसको क्या किया ओपन कर लिया, यहाँ तक का पाथ कॉपी कर लिया, इसी पाथ को हमें चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर गया और सीधे मैंने क्या किया यहाँ से पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके इंटर कर दिया, पहुँच गया। अब जावा सी याद है, जावा सी फर्स्ट फाइल का नाम क्या था, फर्स्ट, पूरी फाइल को हम कंपाइल करेंगे फर्स्ट डॉट क्लास, ठीक है हो गया, ये पूरा कोड क्या हो कंपाइल हुआ। अब रन किसको कराएंगे, बताया था पिछली क्लास में कि जिसमें मेन हो, तो मेन किस में, ऊपर देखिए कोड में, ये मेन का नाम है फर्स्ट क्लास, ठीक, तो फर्स्ट क्लास को वेरिएबल ए इक्वल टू ए की वैल्यू, अब ए डायरेक्टली कॉल होगा नहीं, ठीक है, एरर देगा, तो मैं क्या करूंगा ओबीजे डॉट ए करके कॉल करूंगा, ठीक है, तो ओबीजे डॉट ए अगर कॉल करता हूं तो फिर से मैं क्या करूंगा इसको पूरे फाइल को कंपाइल करूंगा, कंपाइल किया, ठीक है, क्लियर करने के लिए CLS पढ़ाया था, ठीक है, दादा रन कराने के लिए फिर से देखिए, तो अब आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 300 एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इक्वल टू 100, ठीक। अब ये काम कैसे कर रहा है, रन तो मैंने करा दिया, अब देखते हैं। सबसे पहले दो क्लासेस बनी हुई हैं, एक क्लास का नाम है डेमो क्लास और एक का नाम क्या है फर्स्ट क्लास। हमें पता है कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन पूरी फाइल को करते हैं, ठीक है, रन हमेशा यहाँ से होता है, कंपाइल क्या होता है पूरी फाइल होती है जिसका नाम है फर्स्ट क्लास डॉट जावा, ये पूरी फाइल है, ये पूरी कंपाइल होगी, लेकिन रन कौन सी होगी जिसमें मेन हो, मेन किस में है फर्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसको अब सबसे पहले मेन यानी कंपाइल मैंने कर दिया, दो क्लासेस बन गई होंगी, एक डेमो क्लास और एक क्या फर्स्ट क्लास। अब आप देख सकते हैं इसमें जा करके कि दो क्लासेस हमें मिलेंगी, एक का नाम होगा डेमो क्लास, डेमो क्लास देखिए डेमो क्लास डॉट क्लास, और एक है फर्स्ट क्लास, देखो फर्स्ट क्लास क्लास, यानी दो क्लासेस बनी, एक फर्स्ट क्लास वाली जिसमें मेन है और एक डेमो क्लास। अब हमें कंपाइल तो हो गई, रन किससे कराएंगे, रन कराना है इसको, ठीक, तो रन कराने के लिए मैंने दिखा था
कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन जब रन होगा तो मेन में आएगा, मेन में आने के बाद डेमो क्लास को ढूंढेगा, डेमो क्लास कहाँ है, यहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैंने कॉल किया सो को, अब सो मेथड जो है इस क्लास का है तो कॉल होगा, ए और बी किसका लेगा, इसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका है, डेमो क्लास का है, तो ओबीजे जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका, डेमो क्लास का, तो उसका ऑब्जेक्ट ले लेगा, सो को कॉल करेगा, सो कॉल करेगा तो ए और बी की वैल्यू 100 या 200 300 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स 3। अब आप कहेंगे सर मेथड तो कॉल हो गया, वैल्यू कैसे एक्सेस करें, तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए बताया वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए और लिखा क्या ओबीजे डॉट ए। अगर मैं सीधे ए लिखता हूं तो क्या बताएगा, अनडिफाइंड बताएगा, क्यों, क्योंकि ए नाम का वैल्यू ढूंढेगा इस पूरे मेन इस क्लास के अंदर, और इस क्लास में कहीं मेन मतलब ए वेरिएबल है नहीं, इस वजह से किसको कॉल किया, ओबीजे डॉट ए को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे जो है क्लास और ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और कैसे उसको कॉल किया जाता है। ठीक है, और अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिए कहाँ पर क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या काम है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।